जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर दिए निर्देश। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहर के जगदीशपुर व गौरा बाजार में स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के पहुंचते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने विद्यालय पहुंचते ही सबसे पहले मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए बन रहे खाने को चेक करने के लिए सीधे रसोई घर पहुंची, जहां गंदगी का अंबार मिलने पर उन्होंने प्रधानाचार्य को कड़ी फटकार लगाई और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। उसके बाद बच्चों के कक्षाओं में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। मैम, आपने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है, क्या मिला है और क्या चीजें रही उसमें? देखिए, मैंने आज जगदीशपुर और गोरा बाजार के हमारे प्राथमिक और कॉम्पोजिट विद्यालयों का इंस्पेक्शन किया है। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन था, उद्देश्य यही है कि जो जमीनी स्तर पर हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग से सुविधाएं हमारे छात्रों को प्रदान की जानी है, उनके संबंध में मैं सत्यापन करने के लिए यहाँ पर आई थी। संतोषजनक व्यवस्थाएं तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि हैं यहाँ पर। साफ़ सफाई की थोड़ा अभाव है, कुछ जगह पर मुझे सामंजस्य की भी कमी नज़र आई है। तो उसके संबंध में हेड टीचर को भी निर्देशित किया गया, BSA और DPRO के माध्यम से जो भी कमियाँ पाई गई उन्हें पूरा करने के लिए निर्देश दिए। मिड डे मील में मैम क्या मिला? मिड डे मील के संबंध में मैंने बताया आपको, जैसे कि व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी साफ सफाई की आवश्यकता ज्यादा थी, तो उसके संबंध में निर्देश कर दिया गया। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा, आप सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एंसर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।